नमस्कार न्यूज रूम लाइव को स्वागत करुछि मो शक्ति। आज आम प्रसंग 30 दिन रे राजरास्तार इज्जत आज्ञा। हाँ 30 दिन बीती जाइछि। एएनएम स्वास्थ्यकर्मी माने 30 दिन हला भुवनेश्वर राजरास्तार बसिछन्ति। सेमानंकर दाबी पाई सेमानंकर राज्य दाबी पाई सेमाने सरकार को अपील करुछन्ति। 30 दिन हला भुवनेश्वर लोअर पीएमजी रे राजरास्तार बसिकिरि 30 दिन बीती गला। शीत काकर रे महिला माने मां माने बसी। आम आपन को मन पकड़ चाहिबू ये होछंती सही स्वास्थ्यकर्मी जेते बले सारा राज्य रे कोरोनार हाहाकार परिस्थिति थिला। राज्य सरकार एमानंकु अस्थाई भाव रे 3 मास पाई 90 दिन पाई नियुक्ति देथिले। एवं जेते बले हाहाकार परिस्थिति थिला प्रतिदिन 3000-4000 एभली संख्या रे कोरोना पॉजिटिव सामना को आसुथिले से समय यही स्वास्थ्यकर्मी माने विभिन्न कोविड हॉस्पिटल गुड़ी करे विभिन्न कोविड केयर सेंटर गुड़ी करे कोरोना संक्रमित मानकर सेवा करुथिले। निजो जीवन को पानी छोड़ाई कोरोना योद्धा साजी कोरोना रोगी मानकर कोरोना संक्रमित मानकर माने चिकित्सा करुथिले। एवं आज जदि राज्य सरकार जदि दाबी करुछंती जे कोरोना सुस्थ हार रे आमे देश रे सबुठु भलो पोजीशन रे अछु तार सबुठु बड़ श्रेय जाउची ए कोरोना योद्धा मानकु जो माने कि गत 30 दिन हला शीत काकर रे राजरास्ता रे पड़ी रही छंती। सेमाने स्थायी नियुक्ति दाबी करुछंती। सेमानंकर 30 दिन सेमाने काम करथिले ताठु अधिक समय भी सेमाने काम करिछंती। तांकर प्राप्य आज पर्यंत ठीक से मिली नाही तो प्राप्य सेमानंकु मिलु न्याय मिलु ए कथा सेमाने दाबी करुछंती। ठीक अच्छे आपण सरकार तांकर दाबी कथा विचार करिवे तांको स्थायी नियुक्ति देवे कि न देवे से परवर्ती कथा। किंतु 30 दिन हला राजरास्ता रे मां माने महिला माने आसी धारणा देछंती अनशन करिछंती। किछि दिन तले आत्माहुति उद्यम मध्य करथिले किंतु दुर्भाग्यर कथा हला ना राज्य सरकारंकर कोनोसी प्रतिनिधि आज पर्यंत से महिला मानू सीएनएम कर्मी मानू भेटा को आसिले ना से मानकर दाबी संपर्क में कौन सी विचार करागला। स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास आज पर्यंत थरटीए भी ए महिला मानू एएनएम स्वास्थ्यकर्मी मानू भेटा को आसिले ना। स्वास्थ्य मंत्री को कथा छाड़ दिंतु ठीक अच्छे आपण को खराब लगुच सामना करें महिला मानूर प्रश्नर उत्तर दे पारे आपण को लज्जा लगुच आपणकर सत्साहस ना। स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास आपणक सरकार कौनसी स्वास्थ्य विभाग बड़ा अधिकारी को आप पठाई पारि था आप सेक्रेटरी को पठाई पारि था अन्य कौन विभाग बड़ वरिष्ठ अधिकारी को पठाई पारि था थरटे तो आसतु कथा शुणु संगे आलोचना करूँ कम से कम एति शिष्टाचार तो रो सरकार तेरे ए प्रसंग में आम जीवु लोअर पीएमजी जीवु से धारणारत कर्मी मान 30 दिन पर कौन अनुभूति जो सरकार का आह्वान रे निज जीवन को पानी छड़ाई से माने ओल्ह पड़ी थे कोरोना योद्धा साजी कोरोना संक्रमित मानकर चिकित्सा करने निज जीवन को पानी छड़ाई से माने चिकित्सित कर राज्य को आज कोरोना क्षेत्र में गोटे भल पोजिशन को आने बारे बड़ भूमिका निभाई थे तो से राज्य सरकार 30 दिन भितर सहित कौन न्याय कर मुहर आम तो निश्चित रूपे शुणा किंतु ता पूर्व आउ एक प्रसंग को निश्चित रूपे आज ए परिप्रेक्षी उजागर करने को चाहिए। गोटे पटे 30 दिन रे एएनएम स्वास्थ्यकर्मी महिला माने मां माने धारणा रे बसी किंतु ता पूर्व किसी ट्वीट आप निश्चित रूपे आप देखा चाहिए जो ट्वीट वर्तमान चर्चा रही ये ट्वीट हो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विजु जनता दल प्रतिष्ठा दिवस अवसर में ए ट्वीट करते एवं कौन कही ट्विट्रे आप देखु विजु जनता दल प्रतिष्ठा दिवस रे आमर लक्ष लक्ष कर्मी भाई भौनी मानू मोर अभिनंदन ओडिशावासी आशीर्वाद आपण मान उद्यम बीजेडी लोकंर आहुरी निकटतर हो माँ माने होती समाज चकर अख माँ आगेले ही देश आगेब समाज आगेब माँ आगेले देश आगेब समाज आगेब माँ माने होती देशर चकर अख यो स्वास्थ्यकर्मी माने हजार हजार संख्यार मसे है धारणा बसी एमाने आपणक मार संज्ञा भितर आसुना कि द्वितीय ट्वीट आम आपको देखा चाहिए कौन कहते द्वितीय ट्विट्रे मुख्यमंत्री मिशन शक्ति में सामिल ओडिशार 80 लक्ष महिला विभिन्न क्षेत्र जपर दक्षतार सहित तो दायित्व तो तुलाऊँ न देखिले विश्वास करहब ना आमको जदि अन्य देश मान प्रतिद्वंदिता करार अच्छी तेरे महिला मानू
सेमानंकर हक देवाकु पड़िबो। ए दिगरे बिजेडी सबुबेले आगरे रहिछि, बिजेडी सबुबेले आगरे रहिछि महिला मानंकु हक देबारे। तो ये जो महिला माने बसी छंती 30 दिन हला राजरास्ता रे शीत काकर रे पड़ी रही छंती, कोरोना योद्धा साजिथिले निज जीवन को पानी छड़ाइथिले, सेमानंकर हक कण? महिला मानंकर हक भितरे आसुने कि सेमाने निजर हक पाई ही बसी छंती ना? मुख्यमंत्री महाशय आपण निजे एक कथा कहउछंती बिजेडी सबुबेले आगरे, तो कोठी हक मिलिला सेमानंकु? 30 दिन रे हक देले कि आज पर्यंत सेमानंक सहित कि आलोचना करबा को आसीले कि? आमे आउ गोटे ट्वीट मध्ये आपनकु देखैबु, एठी कोन कहउछंती? नो हाउस होल्ड, नो स्टेट, नो कंट्री हैज प्रोग्रेस्ड विदाउट एम्पावरिंग इट्स वुमेन। फ्रॉम नाउ एंड इन एवरी सेशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, बीजेडी विल रेज द वुमेन्स रिजर्वेशन इशू एंड रिमाइंड नेशनल पार्टीज अबाउट देयर प्रोमिजेस। नेशनल पार्टी को सेमानंकर प्रोमिज कथा कहउछंती, आमे संसद एवं विधानसभा प्रति सेसन रे उठेबू महिला मान सशक्तिकरण कथा, रिजर्वेशन इश्यू कथा, भल कथा। आपण महिला मानू 33% रिजर्वेशन देवाक चाहूंटी विधानसभा एवं लोकसभा राज्यसभा रे, आपणकर उद्यम भल, किंतु जितेबाला महिला मान रिजर्वेशन देवा कथा कौन, महिला मान सशक्तिकरण कथा आप कौन, ए महिला मैंने कौन से महिला मान काटागोरी आसुना कि जो महिला मान कथा आप कौन से संज्ञा ए महिला मान क्षेत्र में कौन फिट हो कि एमाने महिला नुहंती कि एमानंकर एम्पावरमेंटर आवश्यकता ना कि? रिजर्वेशन तो बहुत आगर कथा, जो मैंने राजरास्तार महिला मैंने जो मैंने कि देशर राज्यर इज्जत से मैंने पड़ी शीत काकर रे, से कथा कौन महिला मान एम्पावरमेंट भितर आसुना कि? एवं आउ एक ट्वीट आम आपन को देखा चाहिबु, ये होची शासक दल जने टाणुआ विधायक विजु जनता दल संगठन संपादक प्रकाश प्रणव प्रकाश दास ट्वीट। से धर्मेन्द्र प्रधान को आक्षेप करी ट्वीट कर, आम मुख्यमंत्री चाहती आमर माँ और भौणी माने संसद विधानसभा बसी देशर भाग्य निर्धारण करतु, आपण कौन चाहती महिला माने घर चारिकांत भितर रही केवल रोष करतु? आम माँ और भौणी माने आज भी चमत्कार रोष करती, सुजोग मिलने से माने देश मध्य चल पारे, एथेर कौन दुईमत ना। आमर माँ और भौणी माने सुजोग मिलने निश्चित रूपे देश चल पारे, किंतु श्रीत प्रणव प्रकाश दास महाशय आपण कहते जे माँ मानक रोष घर भितर रोषशाला भितर रखापी चाहती, किंतु ए जो महिला माने ए जो माँ माने आसी 30 दिन हला राजरास्ता रे बसी छंती, सेमान कथा केबे चिंता करी छंती? सेमान तो रोसे घर भितर सीमित नहंती, सेमान तो कोरोना योद्धा साजी थिले, निज जीवन को बाजी लगाई सेमाने राजरास्ता को ओल्लाई थिले निजर दाबी हासिल पई आज सेमाने बसी छंती। सेमाने कोरोना रोगी मानकर चिकित्सा करथिले 90 दिन काल, तांकर प्राप्य दबारे कोठी रहिगला असुविधा, सेमाने जदी दाबी करुछंती सेमानंकु स्थायी निजुक्ति मिलु, तांको दाबी विषय आपण कौन विचार करिवे, तांको कौन प्रतिश्रुति देवे से अलग कथा, किंतु आज पर्यंत कहीं सहित आलोचना करागला नहीं। आम सीधा सड़क आपको नाक चाहिए लोअर पीएमजी धारणा स्थल, से आपण को से एनएम स्वास्थ्यकर्मी मान प्रतिक्रिया शुणबू कौन एभली परिस्थिति है। 30 दिन है कहीं भी आलोचना करने आसिले सरकार पक्षर, ना स्वास्थ्य मंत्री, ना स्वास्थ्य विभाग कौन सी पदाधिकारी, ना सरकार, ना सरकारी दल रही भी जन से सहित आलोचना आसिले, एत दुर्भाग्यर कथा। एवं आशा एभली भाव से हर बसी सरकारी व्यवस्था उपर से आशा एभली भाव हटि जाते हतोत्साहित सामने शेषर से आत्माहुति उद्यम करते कि ते स्मृति लग्नानंद मो सहयोगी जे कि लोअर पीएमजी रु जोड़ी होती एनएम स्वास्थ्यकर्मी मान सहित अच्छा। स्मृति लग्ना 30 दिन बीतीगला देशर राज्यर इज्जत ए महिला माने ए कोरोना योद्धा जो माने कि कोरोना संक्रमित मानू निज जीवन को पानी छड़ाई चिकित्सित करते राज्य कोरोना को गोटे सुस्थ कर कोरोना सुस्थ राज्य कर बड़ भूमिका निभाई थे 30 दिन बीतीगला। पचारंतु टिके राज्य सरकार महिला मान सशक्तिकरण कथा कौन से सशक्तिकरण भितर महिला मैंने आसुंच कि ना 30 दिन बीतीगला किए तक सहित आलोचना करने को आज पर्यंत आसिले कि?
निश्चय शक्तिशाली अनेक अभिमान एमानको भितरे रहिछि कारण सेमाने जेभळी भाबरे विपद समयरे सरकारको हात धरिथिले तांको नारा मुआजी सुनुथिली जेतेले प्रथमे लोयर पीएमजी रे पहुचिली एवं एते दुख अछि एहाकु शब्दरे वर्णना करा जाय न पारे एमाने कोण कोण क्षति सहिछन्ति ए समय भितरे के कहा पिलाकु हराई देछि एवं गर्भवती महिला जणे महिला स्वास्थ्यकर्मी जे एठारे बसिथिले लगातार भाबरे आंदोलन करथिले शीत काकरकु खातिर करि नथिले एवं तांकर नारा थिला जे विपद समय रे धरिलो हात तापरे पेटरे मारुछला त ये जो समानकर अभिमान रहिछि समानकर दुख रहिछि एवं मासे आजि मासे पूरी के गोटे दिन चालिबो एहा परे जेतेबेले सेमाने एते दाबी जणाउछन्ती ता परे भी केही जणे आलोचना पई तांको पाखरे पहुचि नाहंती तांको आहा पदे कहि नाहंती एवं जो महिलांको कथा मु कहूछि जहांकर मिसकारेज होईछि ता परे भी से आसी चिकित्सा परे पुण थरे आंदोलन रे बसिछन्ती निज दुख को निजे आखिरे जकी रखिछन्ती एवं ता परे भी से एभळी अवस्था रे राजरास्ता रे खरा रे शीत रे एमती पड़ी रहिछन्ती सत्यधर मु पचारे पई चाहिबी एटी जो महिला कर्मी माने अछन्ती महिला स्वास्थ्यकर्मी माने अछन्ती समान कर कोन प्रतिक्रिया सीधा सड़क भाबरे बुझिबा जेभळी भाबरे दाबी आपण कर रहिछि मासे धरि के आपण दाबी करिछन्ती कोरोना समय रे आपण को प्रतिश्रुति मिलिथिला जेते पर्यंत कोरोना रहिछि सेते पर्यंत आपण को चाकरी रहिछि किंतु एबे भी तो कोरोना अछि किंतु एबे आपण को पाखरे चाकरी नाही कोन दाबी रहुछि आपण को आमर जेहेतु आम महिला स्वास्थ्यकर्मी एएनएम तो आमर 12 वर्ष है सरकार तरफ कौन सी प्रकार रिक्वायरमेंट ना जितेबले कोरोनार गोटे भयानक सिचुएसन थिला सेतेबले महिला स्वास्थ्यकर्मी छड़ा अन्य कौनसी व्यक्ति भी ये कोरोना को ठीक करने उपयुक्त हो भी न था सेटा सरकार निजे जानी तो दीर्घ 12 वर्ष पर तीन मसिया चाकरी हेले भी आमको डाकि महिला स्वास्थ्यकर्मी केवल घर घर बुली रोगी मान सेवा कर तो आम जिते सरकार कांधे कांद मिसेचु जो सरकार कही कि ना कोरोना सिचुएसन ठीक नाला पर्यंत तुमको कम रू छटे करा तो सरकार भी यहाँ जो दोमुहा नीति करी एटा सरकार भी ठीक करना तो आमर न्याय टीकाई आम मासे है सरकार सहित ठीक अच्छे मासे है बस नेता मंत्री आसी ना सत सरकार क्या पठे आंतरिकता देखते आपण आलोचना करने जिते माँ को सम्मान बड़ बड़ नारा दि जाऊँगी से महिला मान क्षेत्र में राज्य में महिला जदि राजरास्त बस कहीं बस जानवाप चेस्टा कर सरकार तो कदापि आम पाखु जानापी तो वर्तमान आमर जहाँ भी पेपर की मीडिया मध्यम सरकार जहाँ पाखे पहुँचुंट कि सरकार निज तरफ के दल तरफ विजु जनता दल तरफ कहीं आम सहित आलोचना करने आसी ना कि जेपर्यंत आसी ना जेपर्यंत आमको न्याय न मिली आम मसे कौन पांच मसे कौन दस मस भी हेल्ला बसबू या भितर आमर बहुत भयानक घटना भी ये घटी आमर जड़े महिला स्वास्थ्यकर्मी जेकि आमर गर्भवती थे एटी रहा खाया पिया बाथरूम एमती गोटे मानते गोटे साधारण गोटे साधारण सुविधा होची लैट्रिन बाथरूम गाधेड होची साधारण सुविधा शक्तिधर जो महिला को कथा से कहउचंती से वर्तमान भी आंदोलन रे बसिचंती मो आपन को सीधा सडक तांको सहित जोडिया पई चाहिबी कोन तांकर दाबी रहउची एवं विशेष भाव रे केते दुख रहिची मां जेतेबेले महिला सम्मान कथा सामना को आसुची सेतेबेले राज्य रो महिला माने मध्ये आसुचंती आपन ए भितरे अनेक किछि हरैचंती अनेक स्वप्न नेकी आपन मध्ये गर्भवती होइथिले कोळकु संतानटे आसीबो भविष्यत पई आपन स्वप्न देखिथिले किंतु वर्तमान परिस्थिति रे पेट पई आंदोलन समय रे आपन क्षति सहिचंती एवं आपनकर गर्भ नष्ट होईची से दुख को भूली नाहंती आपन तथापि राजरास्ता रे बसिचंती ये केते बडो इमोशनल मोमेंट एवं आपन कोन दाबी रखिबे आज सीधा सळख राज्य सरकार को पाखे मैडम मोर दुई मस होता मुठे चार चार दिन टोटाली खाई पारली टोटाली खाए न खाई पड़ी थी तापर गोटे राति गोटे चोर आसी तो से राति कि दीदी जिते बड़े चिले हाँ। से टाइम नहीं कि पूरा डरी कि ना कि पूरा उठी पड़ी तो मोर मिसकारेज हो गला तो आपण केते मास रो गर्भवती रहि थिले मु दुई मास होथिला दुई मास होथिला तो से दिन मु डोरी के जते उठि पड़ली मोर मिसकरे जाय गला से दिन तापर आपण चिकित्सा पई मध्ये जाय थिले आपणकर देह बहुत सीरियस रहि थिला एवं आपण पुणी थरे आसी आंदोलन रे बसी छेंती तो आज आपणको परिस्थिति बुझिबा पई केही बे पहुचि छेंती कि आपणको पाखरे
ନାଇଁ କିଏ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଛୁ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ, କେତେ ଦିନ ପୁଣି ଏଠି ପଡ଼ିକି ରହିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଟିକେ ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଆସିକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ କହିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶକ୍ତିଧର ଭାବ ବିଫଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସିଏ, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ଦୁଃଖ ଆଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କିଛି ନଥାଇପାରେ ଶକ୍ତି ସାହି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସିଏ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ଶକ୍ତି ସାହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏନ୍ଏମ୍ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହୁଛି, ନିଜର ଦୁଇ ମାସର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏଇ ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଲୁହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ କି ସରକାର, ସେ ଲୁହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ କ'ଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପଡ଼ୁନି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ଦିନ ବିତିଗଲା, ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ନିଜର ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ କେତେ ବର୍ଷର ପିଲା, ମାସେ ଧରିକି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶୀତ କାକରରେ ରାତିରେ ଆପଣ କେମିତି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିବ? ସାର୍, ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯିବୁ, ସେତିକି ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ କରନ୍ତୁ, ସେଇଠିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରି ଆମେ କୋଭିଡ୍ ବେଳେ କାମ କରୁଛୁ, ସେତିକି କଷ୍ଟ ୟାଠୁ ଆଉ ବଳି ଯାଉଛି ଦିଦି। ପିଲାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ଧରିକି ରାତିରେ ମଶା ମାରିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମଶା ହେଉଛି, ମାସେ ହେଲାଣି ବାହାରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ, ସେତିକି ସରକାର ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ବୁଝନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଟିକେ, ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର ଦାବି। ଶକ୍ତି ସାଇଜା, ଯେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ରହିଥିଲେ, ଏବଂ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାକୁ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ନାରା ଥିଲା, ଏବଂ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ରହିଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣତି ଯେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ରାଜରାତାରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସେ କଥା ଆଦୌ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉ, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଲୁହ ଆସୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ, ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ 33% ରିଜର୍ଭେସନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ କଥା ଓ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଫରକ ରହିଛି, ଇଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଶକ୍ତି ସାହି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବ୍ୟଥା, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର, ଏଏନ୍ଏମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, 30 ଦିନ ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଖାଣୁଥିଲେ, ଆଖିର ଲୁହ ତାଙ୍କର ଝରି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ କଥା ବୟାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 2 ମାସର ଗର୍ଭ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏ ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ବସିକରି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଘରର ମହିଳା ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଘର ନୁହେଁ, ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଲୋୟର PMG, ନା ସେଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ସେମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମହିଳାଟିଏ ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ କେମିତି ସାରୁଥିବ, ସେ କେମିତି ଶୋଉଥିବ, କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ। ଏଠି ଘର ଭିତରେ ମହିଳାମାନେ ଥାଇକି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ ହୋଇଯାଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଖବର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ପଶିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ନିରାଶ ହୋଇକରି, କିନ୍ତୁ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ସରକାର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା କହୁଥିବା ସରକାର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ, ଯେଉଁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଆସିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଲେ, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଜି ଯଦି ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ହାର ଆମର ସବୁଠୁ ବେଟର ରହିଛି ସାରା ଦେଶରେ, ଏବଂ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାଉନି କି? ତ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦାବି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଜଣେ ANM ଭଉଣୀ, ଯେ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ କି ନ ଦେବେ, ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, ଆସନ୍ତୁ ତ ଆମ ସହିତ ଥରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଦୁଃଖ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଥରେ କଥା ପଦେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ମାସ ମାସ ଧରି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ସେତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ତ ତାଙ୍କର ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆଶ୍ୱାସନାରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ, ନା ସେମାନଙ୍କର କଥା ବିଚାର କଲେ,
ना स्वास्थ्य मंत्री ना सरकार पक्षर कही ना कौन बाबू ना सरकारी दल कौन प्रतिनिधि आज पर्यंत आसिले एनएम स्वास्थ्यकर्मी मान सहित आलोचना करने एवं गोटे पटे महिला सशक्तिकरण कथा राज्यवासी को पढ़ाऊ दलर प्रतिष्ठा दिवस रे एवं महिला सशक्तिकरण नहीं कि विधानसभा लोकसभा आंदोलन करे ए इश्यू को उठे प्रति सेसन एक कहते 33% रिजर्वेशन देवे आपणकर उद्देश्य महत दियंतु आपण से लागंतु लड़ाई करूँ मना ना किंतु ता पूर्व से तो बहुत दूर कथा जो राजरास्तार महिला मैंने बसी निजर दाबी को लेकर जो एन एम भी तार गर्भ नष्ट तार आखिर लुह सरकार को ऊपर पड़बन कि ए लुहर जवाब किए दब या पाई किए उत्तरदायी जो क्षति है किए उत्तरदायी रुतिलग्न एक पचारत एन एम कर्मी मानू जे सरकार कहते महिला मान सशक्तिकरण कथा सरकार से महिला संज्ञा भितर से माने आसु नहंती कि निश्चय शक्ति साई एमानकर मध्य से समान नारा रही जेतेले आपण मां को सम्मान कथा कहउचंती सेतेले आपण कथारे आ कामरे काहे की फरक रखुचंती आपण वोट भिक्षा बेले मां मानको पाखको पहुंची जाउचंती किंतु तापरे मां माने जेतेले मासे धरी राजरास्तार बसिचंती से माने काहे की बसिचंती समानकर अवस्था कोन आपण को निश्चित भाबरे गणमाध्यम तरफ रु कहंतु बा वर्तमान जो राजरास्तार चित्र रहीचि खबर तो निश्चय भाव में थी मसे भितर तथापि भी आपको भ्रुक्षेप करूना एभली मानसिकता कहीं जिते आपड़ माँ मान को ये भल पाँच सम्मान दौंती आपड़ कहते आमर स्ट्राटेजी आमर राजनीति में आमर विकास सबुठ प्रथम आसती महिला जिते महिला विकास होते राज्यर विकास होता विदेश देखिकीखुं विदेश अनेक देश रही जहाँ आगक बढ़ी केवल महिला मानी तेणु से स्ट्राटे राज्य अपनाऊ तो वर्तमान परिस्थिति रे एमाने एची बसिबा एक विडंबनार विषय नुह कि आम सहित महिला कर्मी जो माने अछंती जोडी होइछंती आपण कोठो आछंती रायगडा डिस्ट्रिक्ट रो आछ आज्ञा रायगडा डिस्ट्रिक्ट रो आछ आज्ञा मासे हेबो आपण एठी बसछंती आज्ञा वर्तमान परिस्थिति रे आपण को दाबी सुनिवा पई केही आसी नहंती आपण को पाखू ना आपण को निश्चित भाबरे दुख लागुची आज्ञा जदि आगामी दिन रे केही न आसंती आपण को पाखू को आपण केते दिन पर्यंत एमिति राजरास्तार रे बसिबे आपण को जो पर्यंत हेने हमर नियुक्ति से पर्यंत हम उठबने जो पर्यंत नियुक्ति नाही से पर्यंत आपण एमती बसिबे ठीक अछि कोरोना योद्धा को कथा आपण कहथले आमे निश्चय जानि छियो जेतेले कोरोना रे शक्तिशाली पूरा राज्य अति गुरुतर अवस्था रे गति करथला सांघातिक थिला सिचुएशन भयंकर रहितला व्यक्तिगत भावरे समस्तंकु मध्ये अनुभूति थिबो एवं एमाने ही दिन राती एक करिछंती जेतेले श्रेय नबा राजनीति आसुचि आपण प्रथम पळे आसुछंती राज्य सरकार कहिया पई जे कोरोना योद्धा ही सब किछि करिछंती एवं सेमानको शक्ति पई सेमानको बळ पई आमे आज एठी पहुचिचु किनो वास्तविक भावरे एमाने काहे के राजरास्ता रे से कथा बुझिबा पई आपणकर बेळ नाही आपण कोठो आसुछंती बलांगे डिस्ट्रिक्ट रु राज्य सरकार जो दमुहा नीति रही कारण आपन को कहते कोरोना जिते दिन पर्यटन अच्छी चाकरी से दिन पर्यटन अच्छी वर्तमान भी कोरोना अच्छी वर्तमान भी वैक्सीन आसनी वर्तमान भी पॉजिटिव चिन्ह होती किंतु चाकरी ना आमको तो नियुक्ति दिया जिते दिन जाए कोरोना रोहब से दिन जाए फेज व्वज दिया किंतु किसी मानने एमती टर्मिनेटर लेटर आसनी किंतु आमको डिसएंगेज कराला सैलरी भी दिहनी केते दिन आपन को सैलरी मिली थिला एवं तापर आपन को सैलरी मिलबा बंद कले ना आदो सैलरी मिली ना तो सैलरी मिली नाही तीन मास आमे चाकरी करथिलु सेथिरो माने गोटे मासर भी मिलेनी गोटे मसर भी सैलरी मिली ना जहाँ शक्ति साई आप शुणुते तीन मास धरी चाकरी कले गोटे मसर भी सैलरी पाइले ना निश्चित रूप याठ बड़ विडंबना राज्यर महिला सशक्तिकरण आई कथा नही थी पारे स्मृति लग्न जो भाई भाव में तीन मस एग्रीमेंट कथा राज्य सरकार चुक्ति करते ठीक अच्छे स्थायी निजुक्ति आपे देवे से परवर्ती कथा जो एग्रीमेंट आपन करथिले से एग्रीमेंट चुक्ति अनुसार कम से कम सेमानकर प्राप्य दिंतु तीन मास से माने निज जीवन को पानी छड़े से माने कोरोना योद्धा साजी से माने कोरोना संक्रमित मानकर चिकित्सा करिछंती तो तार हक से मानकर रहिछि आपणकर महिलार हक कथा कहउछंती आपण संसद रे उठैबे महिलांकर हक कथा कहउछंती बिजू जनता दल महिलांकर हक पई सबोले काम करे एक कथा आपण कहउछंती ये होची
जड़े तीन मास धरी काम कला एग्रीमेंट रही तार दरमा आपण दौना तीन मास धरी राज्य सरकार जदि प्रकृत आपण आंतरिकता रही जदि प्रकृत आपण महिला सशक्तिकरण कथा चाहूंट मासे हो गला जदि सत्साहस अच्छी प्रकृत आम जाणीचु आपणकर मनरे से सत्साहस ना जो आपना करें ये स्वास्थ्यकर्मी मानकर से आलोचना को आसुना किंतु जदि प्रकृत महिला मानकर सशक्तिकरण नहीं आपण अंगीकारबद्ध आप आसतु आलोचना करतु एवं सहित कथा हूँ स्थायी करेंगे न करेंगे से परवर्त कथा दरमा जहाँ प्राप्य क्लीयर करूँ शीघ्र एक कथा आम अपिल करय होउछि न्यूज रूम लाइव को रखा नमस्कार।